Namaskar. मैं डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव मैं जेपी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ आज मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ आज हम लोग आ, फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन होते हैं इन गर्मियों के आ, मौसम में इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हमें खुजली की बीमारी हो जाती है दात की बीमारी हो जाती है उसी को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है अगर हम बात करें तो सर से ले पैर तक नाखूनों में बालों में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और इसमें ज़्यादातर लोग खुद से मेडिकेशन कर लेते हैं घर पे दवाइयाँ लगाते हैं स्टीरोइड क्रीम लगा लेते हैं कई बार लोग इसमें ऐसे करते हैं कि कुछ घरेलू उपचार लगा लेते हैं जैसे नीम के पत्ते पीस के लगा लिए या फिर लहसुन लगा लिया या फिर लोगों ने आ, कोई जड़ी बूटियाँ लगा ली तो उससे और ज़्यादा केस बिगड़ जाता है ये काम हमें नहीं करना है हमें क्या करना है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमें साफ सफाई रखनी है गर्मी है दोनों टाइम अगर आप पसीने वाले काम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं वॉक करते हैं तो कोशिश करें कि दोनों टाइम नहाएं और अच्छे से नहाने के बाद धुले हुए कपड़े पहने साफ़ कपड़े और आपको टावल वगैरह भी अपनी रेगुलर धोते रहना है और शेयर नहीं करने अपने कपड़े दूसरों के साथ टावल शेयर नहीं करनी है आपको दूसरों के साथ ये सारे रीजंस ही होते हैं कि जिससे फंगल इन्फेक्शन फैलता है क्योंकि एक बुरी तरह फैलने वाली बीमारी है आपके शरीर में आपको भी फैल सकती है और दूसरों को भी फैल सकती है तो हमें कोशिश करनी है कि हम खुद से इलाज ना करके एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हॉस्पिटल आए और अभी यहां आना कोई आपको इतना कोई डर की बात नहीं है सेफ है बिल्कुल आप आराम से आ सकते हैं हॉस्पिटल और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप आकर के क्योंकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही आपकी हेल्प ज्यादा अच्छी कर सकता है एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है फंगल इन्फेक्शन के बारे में वो ये है कि ये बच्चों से लेके छोटे बच्चे दो एक महीने के बच्चों से लेकर के बूढ़े इंसान तक किसी को भी हो सकता है और आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है दूसरा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है इनफैक्ट हमने तो ऐसा देखा है पूरी पूरे परिवार नेबरहुड ऐसे पूरे पूरे लोग इफेक्टेड होते चले गए एक से एक बंदे को हुआ और उससे फैलता चला गया अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है साफ़ सफाई रखें अपने कपड़े अलग धोएं और पूरा इलाज करें इसके लिए दवाइयाँ आती हैं जो कि एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं जिनसे जो खाने की भी होती हैं लगाने की भी होती हैं साबुन के रूप में भी आती हैं तो उनसे आपको इसमें अच्छा असर आएगा और आप ठीक हो जाएंगे सबसे बड़ी चीज़ लोग सालों साल बीमारी लेके चलते हैं कि थोड़ी सी दवाई करी आधे दिन दवाई करी थोड़ा ठीक हो गया फिर बैठ गए फिर नहीं की तो उससे एक तो रेजिस्टेंस डिवेलप हो रहा होता है और दूसरा उससे जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आपको सालों साल बीमारी चलती रहती है और दूसरों को फैलती रहती है और जबकि एक ठीक होने वाली बीमारी है अगर हम इसके पूरा लग के इलाज करते हैं तो ये बीमारी पूरी तरह से पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है अगर हॉस्पिटल आने में आप घबरा रहे हैं किसी भी तरह से आपके आप सुरक्षित नहीं महसूस करें पहली चीज़ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें बिल्कुल हमने सब कुछ सेपरेट करा हुआ था जब कोविड था तब भी और अब तो फिर भी कोविड कम हो चुका है तो इसलिए ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है बहुत सेफ़ है सारी सावधानियां सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं और यदि आप नहीं आ पा रहे हैं मान लीजिए आप किसी तरह से असमर्थ हैं आने में तो आप उसमें उसमें भी नहीं घबराने की जरूरत है आप टेली कंसल्टेशन के द्वारा आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल में तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो डरना नहीं है पूरा इलाज कराना है लग करके जब तक कि आपका डॉक्टर कहना दे कि हाँ ये पूरी तरह ठीक हो गया तब तक पूरा लग के इलाज करना है धन्यवाद मेरी तरफ से भी और जेपी हॉस्पिटल की तरफ से भी